दोस्तों अमेरिका का F-22 और भारत का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट M का काफी हद तक रेंज, स्पीड और कैपेबिलिटीज के मामले में समान ही होंगे। लेकिन जहां भारत M का को अब तक बनाया ही नहीं है, वहीं चाइना अब से ही M का को कैसे गिराया जाए और इसका तोड़ क्या होगा उस पे काम करने में लगा है। क्योंकि चाइना अब अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने एयर डिफेंस के साथ जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, जो सही में M का और F-22 के लिए एक खतरे की घंटी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हमारा M का तो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसे डिटेक्ट करना असंभव है। लेकिन दोस्तों इसके जवाब में एक चाइनीज एक्सपर्ट का कहना है कि F-22 या M का जब वेपन और मिसाइल दागने के चलते अपना वेपन कंपार्टमेंट खोलेंगे, तभी कुछ ही समय तक फाइटर जेट अपना स्टेल्थ फीचर हरा देगा और राडार में आसानी से पकड़ में आ जाएगा। उसी समय ही चाइना का सरफेस टू एयर मिसाइल M का को अपना शिकार बना सकता है और यह मिसाइल हीट सिंकिंग सेंसर के साथ लैस होगा। लेकिन हम कहेंगे चाइना का माल चाइना का ही होता है, जिसका कोई भरोसा नहीं होता।